गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ तड़के दे वेले। मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया जेम्स और मेरे साथ आज जाहिद शरीफ नहीं हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। हम दुआगो हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं और हमारे साथ शो पर आएं। तो आज हम सब मिलकर इकट्ठे शो करेंगे। तो शो को शुरू करने से पहले आएँ हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और सुबह की दुआ करते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखती हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करती हूँ। तूने मुझे अपनी नींद से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया। तूने गुजरी रात मुझे सलामत रखा और आज का ये दिन बख्शा है। इन और बाकी सब नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने ख्यालात, बातें, सब काम तेरे हजूर पेश करती हूँ। मुझे अपना फ़ज़ल बख्श ताकि मैं फिर तुझे कभी नाराज़ ना करूं, बल्कि आज और हर तरह से तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। तो आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो हम सब जैसी ही शख्सियत है, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जिनका तो हमें इंतज़ार लगता है वो आ गए हैं, तो देखते हैं हमारे आज के गेस्ट कौन हैं। सबर का फल कितनी मेहनत से मिलता है ये हम आज जानेंगे अपने मेहमान से। तो चलें मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। वेलकम पीटर भाई टू द तड़के दे वेले, हमारे न्यू एक्साइटिंग शो में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं आपको हमारा न्यू सेट कैसा लग रहा है? न्यू सेट आपका बहुत अच्छा है, पहले की बनिस्बत शुक्र है खुदावन का कि अभी आपने माशाल्लाह से अच्छा अपने सेट को ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छा सेट बनाया है। खुदावन की ब्लेसिंग आपके साथ इसी तरह रहे और आपके शो के साथ और आपके साथ और इसी तरह तड़के दे वेले के शो आप लोग कंटिन्यू इसको रखें इस न्यू सेट में। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? और आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर सुबह सुबह? बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आके यहाँ पे। तो पीटर भाई, नॉर्मल रूटीन में भी आप सुबह 7 बजे उठते हैं जैसे आज आप हमारे शो के लिए उठ के आए हैं, या सिर्फ आज स्पेशली आपने हमारे लिए अपनी नींद डिस्टर्ब की है? नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो शो के लिए थोड़ा सा मुझे अर्ली उठना पड़ा है, अदरवाइज 7 बजे मैं नॉर्मल डेज में 7-7:30 बजे उठ के रेडी होता हूँ, फिर प्रे करके और ड्यूटी के लिए जाता हूँ। तो ड्यूटी के बाद फिर अपने बिजनेस को टाइम देता हूँ। तो ये मेरे पूरे दिन का जो है रूटीन है, बट आज थोड़ा सा अर्ली उठना पड़ा आपके साथ इस शो में शरीक होने के लिए। फैमिली में जैसे मिसेज हैं और आपका एक बेटा है, तो उनके साथ जब सुबह सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं तो क्या आपकी रूटीन होती है उनके साथ? बेसिकली मैं उनके साथ तो नहीं उठता, बट वो सो रहे होते हैं तो मैं उससे पहले उठ के जो है वो ड्यूटी पर जा चुका होता हूँ, तो वो मेरे से बाद में उठते हैं। वाइफ भी थोड़ा ऑफिस लेट जाती हैं और बेटा भी थोड़ा लेट ही उठता है, तो इस वजह से, क्योंकि आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं तो इस वजह से बेटा भी लेट ही उठता है। तो नॉर्मली पीटर भाई, वैसे हर घर में तो वैसे वाइफ ही जल्दी उठती है या जो घर की में माँ होती है वो पहले उठती है, तो आप जब जल्दी उठ जाते हैं तो आप अपना नाश्ता खुद बनाते हैं या? नहीं, मैंने कभी नाश्ता अपना खुद नहीं बनाया। अच्छा। लेकिन यह है कि समटाइम वाइफ उठ जाती हैं पहले, बट यह है कि वो भी लेट ही उठती हैं। और तो आपने उनके लिए कभी नाश्ता बनाया? नहीं, उनके लिए भी नहीं कभी बनाया, बल्कि वो मेरे लिए बना के रख देती हैं या रखती हैं, मुझे बना के देती हैं। बट ये है कि मॉर्निंग में जो है मोस्टली जो है वो मदर जल्दी उठती हैं, वो ही नाश्ता वगैरह रेडी करके देती हैं, तो फिर वो नाश्ता करके मैं चला जाता हूँ। फिर वाइफ जो है वो थोड़ा लेट उठती हैं, तो ये रूटीन है मॉर्निंग में मेरी।
ओके, तो जैसे आप पैरिश में भी बहुत एक्टिव हैं, बिजनेस भी रन करना है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं मतलब अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, और इतने अच्छे तरीके से आप मैनेज करते हैं, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, टफ टाइम है, इतना इजी मैनेज नहीं है सब चीज़ें करना, क्योंकि सुबह उठना, फिर अपने जॉब को देखना, उसके बाद अपने बिजनेस को देखना, फैमिली को देखना, बेसिकली एक टाइम शेड्यूल पीरियड बनाया जाता है, जो मैं उस एक टास्क किया जाता है कि एक दिन में मुझे ये टास्क अचीव करने हैं, तो उसके हिसाब से मैं अपने टाइम को डिवाइड कर लेता हूँ कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये टाइम करना है और ये काम करना है अचीव। तो अगर हम अपने किसी भी काम को एक स्पेसिफिक टाइम दे देंगे कि इस काम में मुझे ये इस टाइम में इस काम को अचीव करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको अचीव कर लेंगे। सो दैट मींस आप डिसिप्लिन्ड हैं। डिसिप्लिन कह सकते हैं टाइम वाइज, बट थोड़ा सा इशू होता है मैनेज करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हर्डल्स भी आते हैं बीच में, तो उनको भी फेस करना होता है, समटाइम काफ़ी इशूज़। जैसे पीटर भाई, आज हम आपको इस मकाम पर देख रहे हैं, मतलब ये आसान नहीं है जहाँ पर आज आप स्टैंड कर रहे हैं, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स दैट नॉट गोल्ड, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये सफ़र स्टार्ट कैसे किया था, और क्या आपने सोचा जब आपने सोचा कि मैं ये काम करूँगा? सफ़र का बताएंगे तो आपके शो का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें से चंद कुछ चीज़ें हैं जो टफ टाइम था, स्ट्रगल टाइम था, वो आपसे कुछ डिस्कस करते हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जब मैं ट्रेनिंग लाइफ में था, नर्सिंग कर रहा था, टफ टाइम तभी था, क्योंकि वालिद साहब थे, फादर हमारे अकेले कमाने वाले, मदर हाउस वाइफ थी, तो हम चार भाई एक बहन थे, तो जहरी बात है उस टाइम पे फादर ने कैसे करके हमें किस मकाम तक पहुंचाया, ये सारी स्ट्रगल उनकी है। आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है, और हम आज शुक्र है खुदा उनका कि इस जगह पे खड़े हैं। तो बहुत टफ टाइम देखा, और टफ टाइम के बाद फिर शादी हुई, शादी के बाद वाइफ का प्लान था कि हमने कब तक अपनी नौकरियों के गुजारे ज़िंदगी बसर करेंगे, तो मैंने कहा बिज़नेस करना आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किल है। तो 2015 में प्लान किया था कि कुछ हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, 14 के मिड में और 15 के स्टार्ट में, तो उसमें भी मेरी वाइफ का हाथ था कि आपने बिज़नेस करना है, हम अपने बिज़नेस को रन करेंगे। खैर फिर हमने 2015 में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिज़नेस को स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चले, और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें थी फेस की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर हमने जो है 2018 में JP सलून फीमेल्स वुमेंस के लिए वो हमने, अच्छा तो वो अभी किस जगह पर है, मतलब DHA Phase 6 बुखारी कमर्शियल पर है हमारा जो फीमेल सलून है, तो वो 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल से वो चल रहा है, शुक्र है खुदा उनका। मेरा प्लान तो था हम स्टार्टिंग में मेन सलून को ओपन करेंगे, बट वाइफ ने कहा नहीं फीमेल सलून करेंगे, तो काफ़ी चलती रही आपस में, तो फिर फाइनली फीमेल सलून को हम लोग तो विन करती हैं। हाँ, तो कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, वो बेशक वालदैन तो हैं, बट लाइफ पार्टनर और वाइफ का जो है ना सबसे बड़ा रोल प्ले है इसमें, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट की वो हर चीज़ के लिए कि आप नहीं करें, जहाँ पे मुश्किलात आती थी फिर वो साथ देती थी, हर टाइम हर वक्त उसको फेस करते थे, और लेकिन सबसे आज अगर हम अच्छे मकान पर और अच्छी जगह पर हैं, सिर्फ़ अपने वालदैन की दुआओं के नतीजे से और उनकी ब्लेसिंग की वजह से हैं। तो ये मेरा जो था एक मुख्तसर सफ़र था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, तो वो हम इस शो में
डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यह कि चले नेक्स्ट कभी आपने हमें इनवाइट किया तो मुझे तो फिर इंशाल्लाह खुदा ने साथ उस पे। तो मतलब बहुत सारा वक्त ऐसा आया होगा कि जब बहुत मुश्किलात आई होंगी, तो उस वक्त क्या आपने दुआ की या आपने देखा कि खुदा आपको उस वक्त क्या सिखाना चाह रहा है या किस तरह से आपको गाइड करना चाह रहा है? बिल्कुल, जब मुश्किलात आती थी तो समटाइम मुश्किलात, देखिए कुछ खुदा की तरफ से मुश्किलात होती हैं कि आजमाइश होती है। यस, कि खुदा अपने बंदों को अपने लोगों को आजमाना चाहता है कि अगर मैं इनको एक टफ टाइम देता हूँ तो वो उस टफ टाइम में अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं। Yes. ना कि वो टफ टाइम में शैतान की तरफ चले जाते हैं। अमूमन होता है कि लोग जब देखते हैं टफ टाइम आ गया तो बस खुदा हाफिज, हम शैतान की तरफ आगे बढ़े, खुदा कहते हैं कि जी खुदा ने तो हमारे साथ क्या कर दिया, हमें क्या दिया, हमें क्या किया। लेकिन जब तक अच्छा टाइम चलता है तब तक कुछ खुदा को याद भी करते हैं, नहीं करते तो अपने मस्त रहते हैं कि नहीं जी खुदा का शुक्र भी अदा नहीं करते। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त जिस हाल में है, और थैंक्स के खुदा ने हमें और मुझे इस मकाम पे रखा है और ब्लेसिंग दी है। और आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि JP मेन सलून भी मैंने ओपन किया है। मैंने सुना है और मैं आपसे पूछने वाली थी। अच्छा, कि वो आपने कहाँ स्टार्ट किया है? जी, JP मेन सलून भी खुदा की ब्लेसिंग है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा जिसको ब्लेस करे, हम मेहनत कर सकते हैं। तो वो भी मेरा DHA में ही है, सिर्फ एक लेन का डिफरेंस है, वो मेन सलून लेन 9 में है, फीमेल लेन 10 पर है। तो शुक्र है खुदावंद का। जब आपने ओपन किया था तो कोई आपने वो डिस्काउंट और ऐसा पैकेज कोई रखा नहीं? बिल्कुल, डिस्काउंट पैकेज भी रखे हैं, ऐसे सब कुछ हैं। और स्पेशली गुड न्यूज़ के रेफरेंस से एक मैं पैकेज अनाउंस कर देता हूँ। अगर गुड न्यूज़ के रेफरेंस से कोई आएगा तो सुनने, जो हमारा शो आज देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग जो है उस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली जो लोग जाना चाहते हैं वो प्लीज़ इस पैकेज को ज़रूर अवेल कीजिएगा। गुड न्यूज़ के रेफरेंस से अगर मेरे पास कोई आता है तो उसके लिए मैं 30% डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। तो वहाँ पर आके आप बिल्कुल बताएं कि जी हम गुड न्यूज़ के रेफरेंस से आए हैं, यहाँ पेज पे नंबर भी हैं, तो आप उस पे कॉल करके बता दीजिएगा हम गुड न्यूज़ के रेफरेंस से, तो आपको 30% ऑफ अवेल हो जाएगा। तो पीटर भाई, जैसे मतलब ये साल जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे लोगों ने फेस किए, लेकिन स्पेशली जिनका अपना बिजनेस था, जैसे कोरोना का टाइम, आपने वो किस तरह से सर्वाइव किया? बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट किस तरह से खुदा ने आपकी मदद की? ये COVID-19 का जो 2020 का फिगर है, yes. ये बहुत ही टफ टाइम और बिजनेस के लिए ना बहुत टफ टाइम, अनलकी रहा है, बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, क्योंकि फेब से कोविड का स्टार्ट हुआ था, yes. और मार्च में जो था वो फिर टोटली इसको लॉकडाउन कर दिया था, और जून जुलाई तक जो था स्टिल लॉकडाउन ही रहा था। तो हमारा भी इसी में बिजनेस भी सलून, आपको पता है कि वो फिर अफेक्ट हुए थे। हम क्या वर्ल्ड वाइड पूरा इसमें बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सारी अफेक्ट हुई थी। तो बस शुक्र है खुदावंद का, हर वक्त दुआ किया करते थे मैं और वाइफ और बेटा भी साथ मिल के, डेली रात में सोने से पहले प्रे करते थे कि खुदा कुछ हेल्प करे, मदद करे, क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि जो कुछ ऐसे सेविंग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको पूरा किया, जो एक्सपेंसेस थे रेंट्स के हो गए, हम इवन के हमने जो अपने एम्प्लॉयज थे उनको सैलरियां तक पे की हैं, क्योंकि अमूमन जो कोविड की वजह से इंस्टीट्यूशंस ने तो पे नहीं किया था, सैलरीज भी पे नहीं किए, मतलब बुरी तरह से मुतासिर हुए थे, बट हमने उनको अपने एज सून जैसे भी हम उसको कर सके थे, बट उनको सैलरियां हमने पे की एवरी मंथ, हमने उनके किसी भी मंथ जो था वो सैलरी को नहीं रोका, और जहां तक हो सका उनकी हेल्प भी की, okay. जो राशन या जो व्हाटएवर जो भी हम कर सके थे वो हमने उनको प्रोवाइड किया। बस ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, खुदा की ज़ात है और उसी ने हिम्मत दी और सारी चीज़ें पूरी। ये ब्लेसिंग आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप चर्च में भी बहुत एक्टिव हैं, अपनी फैमिली के साथ पैरिश में भी बहुत एक्टिव हैं, इस वजह से भी आपके साथ ये ब्लेसिंग्स हैं।
जी बिल्कुल, चर्च की एक्टिविटी की जब हमने बात की है तो खुदा का भी कहना यही है कि अगर आप देते हो तो आपको मज़ीद उसमें और ब्लेसिंग दी जाएगी, कहते देने वाले को मज़ीद दिया जाए। तो जो भी मेरी सैलरी या बिज़नेस में से इनकम आती है, जो भी होता है, उसको यूटिलाइज़ करने से पहले मैं खुदा का 10% जो है वो निकालता हूँ, फिर उसको यूटिलाइज़ करता हूँ। तो फिर और मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी ब्लेसिंग यही है, और बस इसी को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और होप सब खुदा इसी पे हमें फॉलो करने की हिम्मत अता करें। अच्छा, तो पीटर भाई, जैसे हमने कोरोना से थोड़ा रिकवर किया था तो हम जो है वो बारिशों के सीज़न में फंस गए थे वेरी बैडली, ये हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, उससे आप कितने इफेक्ट हुए और वो टाइम आपने किस तरह से सरवाइव किया? ये कोविड के से तो निकल के बारिशों के जो नतीजे में आए थे, तो ये तो उससे भी बुरा हाल है, नो डाउट। रीज़न ये है कि DHA में जब पानी बारिशों की वजह से खड़ा हो गया था, क्योंकि सीवेज सिस्टम नहीं था, तो मेरा जो फीमेल सलून था वो भी बुरी तरह से अफेक्टिव हुआ उसमें ना। चले हम चलते हैं, बहुत बहुत पीछे चल जाते हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे और जब मैट्रिक में एक बच्चा आता है, तो नॉर्मली हम लोग सब सोचते हैं कि हम ये प्रोफेशन करेंगे, हम टीचर बनेंगे या हम डॉक्टर बनेंगे। दैट टाइम आपने कभी सोचा था कि आप बिजनेसमैन बनेंगे? बिजनेस का तो उस वक्त दिमागों में और ख्यालों तक नहीं था कि बिजनेसमैन बनेंगे। तो क्या सोचा था जब टीचर पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हैं, या घर वाले पूछते थे तो आप क्या कहते थे? घर वालों का तो ऐसे कुछ नहीं था कि पूछते थे, लेकिन टीचर ज़रूर स्कूल में पूछा करते थे कि जी फर्दर हर इंडिविजुअल स्टूडेंट से कि आप क्या बनेंगे। मेजॉरिटी जो था वो जी हम डॉक्टर्स बनेंगे, पायलट बनेंगे, तो ये बनेंगे वो बनेंगे। तो मैंने जी बोला था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ओके। तो जब बड़े हुए, मैट्रिक किया, फिर इंटर में आए, तो सिनेरियो डॉक्टर्स का तो नज़र नहीं आया, क्योंकि फैमिली जो है वो मेरे बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल से ही है। फादर जो है वो फिजियोथेरापिस्ट हैं, और उससे पहले जो मेरे से पहले भाई थे वो भी नर्सिंग में एडमिशन ले चुके थे, वो भी नर्सिंग कर रहे थे। फिर उनको देखा देखिए सोचा चलो यार नर्सिंग ही कर लेते हैं, अब क्या करना है, कुछ और तो समझ नहीं आ रहा। भाइयों में आप जो है वो किस नंबर पर है? मैं लास्ट नंबर है मेरा। अच्छा, आप सबसे छोटे? सबसे छोटा हूँ। ओके, तो पढ़ाई में अच्छे थे आप? इतनी कैलकुलेशन की थी कि बिजनेसमैन बनेंगे तो इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे? नहीं, मैथ मेरा शुरू से अच्छा था। okay. सिर्फ मैथ में ही अच्छा था, शायद इस वजह से बिजनेस की तरफ चला गया। लेकिन ये कि स्कूल लाइफ में और स्टडी में बस एवरेज था, इतना कोई अच्छा भी नहीं, और स्पेशली फर्स्ट डेस्क पे तो कभी नहीं बैठा। सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट में बैठा करते थे। नॉटी स्टूडेंट थे या अटेंटिव और एक्टिव स्टूडेंट थे, या टीचर्स को बस तंग करना है ये सोच के क्लास में बैठते थे? नहीं, इतने एक्टिव स्टडी के लिहाज से एक्टिव नहीं थे, बाकी सोशल एक्टिविटी में सोशल एक्टिविटीज ज्यादा थी। हां, बस ये होता था कि कोई प्रोग्राम मिल गया उसमें इंक्लूड हो गए, बस ये टास्क मिल गया जी ये प्रोग्राम है इसमें काम करना है, तो वो टास्क। अच्छा, तो सर आपका करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा जो है वो? जी जी, सोशल एक्टिविटी हमारी स्कूल की हो गई, या कोई ऐसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता था, स्टडी में कम ही इन्वॉल्व होता था। स्टडी की बात शुरू हो गई है तो हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे छोटी सी। ओके, ठीक है। तो गेम बस सिंपल सी है, मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना है और उसके ऑप्शंस भी मैंने आपको बताने हैं। ओके, तो आपने कम टाइम लेना, ज्यादा नहीं सोचना। ओके, और कोशिश करनी है कि आप जल्दी से उसका आंसर करें। तो रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी। ठीक है, स्टार्ट करें। यस। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी पीछे वाली जो वॉल है उस पे जो फ्लावर्स हैं वो कितने हैं? 27, 38 या 42? काउंट कर सकते हैं? काउंट कैसे करना है? आप आए थे तो मैंने आपसे पूछा था हमारा सेट कैसा लग रहा है। आप गेस कर सकते हैं, हो सकता है सही लग जाए। ऑप्शन रिपीट कीजिए। 27, 38, 42। 27, 38, 42. 38। सोच लें। सोच लिया।
गैस ही करना है। पक्की बात है? पक्की बात है। ओके, राइट आंसर है। आप लोग जो शो देख रहे हैं वो बाद में काउंट कर सकते हैं, 38 फ्लावर्स ही हैं, तो इसके लिए तो वाकई क्लैपिंग होनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, जो पीछे फ्लावर्स लगे हैं उनमें कितने कलर यूज हुए हैं? 3, 5, 7। 3, 5, 7। कितने कलर यूज हुए हैं? 3। फिर से सोच लें। सोच लिया। That means के पीटर भाई ने हमारा शो जो है वो सेट बहुत गौर से देखा है। 3 इज द राइट आंसर। इसके लिए भी जो है वो क्लैपिंग बनती है। 3 कलर यूज हुए। सही तुक्का लग गया भाई। दोनों बिल्कुल सही लगे। यहाँ से पता चल रहा है कि आप बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। ऐसे ही आप बिजनेस नहीं कर रहे। लास्ट क्वेश्चन, किसी भी 5 कलर्स का आप नाम ले सकते हैं जो हमारे सेट में यूज हुए हैं। 5 कलर्स? यस। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। मेन कलर नहीं बता रहे मीटर भाई आप? रेड। मेन कलर कौन सा? येलो। ओके, ठीक है। तीनों सवाल जो है वो पीटर भाई ने बहुत अच्छे तरीके से तीनों के तीनों बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसके लिए हम आपको गिफ्ट भी देंगे। ये हमने गेम इसीलिए खेला था कि हम देख सकें कि आपने कितना ऑब्जर्व किया हमारे न्यू सेट को। तो आप सब जो हमारा शो देख रहे हैं, अब हम आप पीटर भाई आपसे ये चाहते हैं कि आप कोई अच्छा सा मैसेज दें वो लोग जो हमारा शो देख रहे हैं कि उन्होंने आज अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं। मैसेज देने से पहले सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ और उनकी सारी टीम के लिए और फादर आमिर का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने शो में और बहुत अच्छा खूबसूरत सा ये शो सजाया हुआ है और हमारी ब्लेसिंग और दुआएं आप पूरी टीम के साथ और गुड न्यूज़ के साथ हैं और इसी तरह अपने प्रोग्राम को इस मॉर्निंग शो तड़के दे वेले को ऑर्गेनाइज करते रहें। और मैसेज मेरा ये है कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है, सबसे पहले आप उसको प्रे में रखें, खुदा के आगे रखें कि मैं खुदावंद ये काम करना चाह रहा हूँ, मुझे आगे फर्दर गाइड करें कि मैं इसको किस तरह से करूँ। अगर खुदा की मर्ज़ी होगी तो वो आपको खुद ही हिंट्स और रास्ते और वसीला मिलेंगे कि आप इस काम को पूरा करें। और कोई भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए खुदा को मत भूलें और खुदा को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें। अगर कभी होता है आपके साथ कोई बुरा वक्त या बुरा टाइम आ जाता है तो अमूमन ये होता है कि जी हम खुदा को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी खुदा तो हमारे साथ ही नहीं है, हमारी दुआएं नहीं सुनता, हमने तो इतनी दुआएं कर ली हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो आप हर चीज़ के लिए हर वक्त दुआ किया करें क्योंकि अगर जब तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स नहीं आएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स का आप जब तक सामना नहीं करेंगे तो वो एक वो ग्रेस को नहीं पा कर सकेंगे। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। समटाइम होता है खुदा आपको सिखा रहा होता है, आजमाइश आपकी ले रहा होता है क्योंकि आप अगर बाइबल स्टडी भी करते हैं तो उसमें भी लिखा है खुदा भी आजमाया गया। जब खुदा भी आजमाया गया तो हम कौन होते हैं? हम भी आजमाए जा सकते हैं, हम डेली आजमाए जाते हैं, हर जगह हर वक्त आजमाए जाते हैं। बट हम अगर उस आजमाइश में अपने आप को काबू रखेंगे, अपने ईमान को पुख्ता रखेंगे तो फिर आप वो चीज़ को जो है ना उस को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत मुश्किल है लाइफ गुजारना। yes. तो सिर्फ लाइफ अच्छी जो है वो खुदा की तरफ से ही है और अच्छी ज़िंदगी खुदा का तोहफ़ा है। तो आप अपनी दुआओं में याद रखा करें खुदा को, खुदा से ब्लेसिंग रोज़ मांगा करें और एक चीज़ घर निकलने से पहले दुआ ज़रूर किया करें पूरे दिन के लिए, अपने सफ़र के लिए, जो आपने काम करने, और देखिएगा आपको ज़रूर खुदा अपनी ब्लेसिंग देगा। मेरा आज का मैसेज जो है वो ये है।
वंस अगेन थैंक यू सो मच पीटर भाई आज के लिए, हमारे लिए शो के लिए वक्त निकालने के लिए, और बहुत कुछ सीखा हमने आपसे यकीनन। जिन लोगों ने हमारा शो देखा है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। थैंक यू। तो आज जो आप लोगों ने अब देखा सुना और जो एक्सपीरियंस किया, आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कि किस तरह से हमने देखा कि खुदावंद का हाथ ना छोड़ने से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने ईमान में पुख्ता रहने से हम सिर्फ खुदा की बरकत ही हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको हम पसंद आया होगा। तो देखते रहिएगा तड़के दे वेले, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।